Oh, hello everyone! Welcome back to Big Rumors. So, दोस्तों, this is Avi and this is Dig. तो स्वागत करते हैं आपका एक नए वीडियो में. पहले तो first of all thank you so much guys for showing all the love on our previous video that is Dubai itinerary and हमें बहुत सारे comments में ये आए थे request कि आप Dubai का expense वाला video भी लेकर आओ. तो आपके request पे हम आज एक नया video लेकर आए हैं जहाँ पे हम बताने वाले हैं detail में कि आपको Dubai trip India से करने का कितना खर्चा आएगा. तो दोस्तों, इस video को हमने दो category के travelers के लिए बनाया है. पहले category में वो लोग आते हैं जो कि थोड़े से नोमैड ट्रैवलर्स हैं या सोलो ट्रैवलर्स हैं, और दूसरे कैटेगरी में मीडियम स्पेंडर जैसे कि हम लोग यानी कपल लोग. तो इस वीडियो में आपको डिटेल में हम बताने वाले हैं आपको कहाँ रुकना है, कहाँ से फ्लाइट लेनी है, होटल. सो जो बजट स्पेंडर के लिए है दैट वी हैव केप्ट अ बजट ऑफ 50 to 60,000 इंक्लूडिंग फ्लाइट्स एंड एवरीथिंग. तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे. एंड जो सेकेंड जो कैटेगरी दैट इज मीडियम स्पेंडर व्हिच इज अस, उस मीडियम कैटेगरी में वी आर टॉकिंग अबाउट अस एंड पीपल लाइक अस, वो कितना हम लोगों का खर्चा एक्चुअली में कितना आया था दुबई में. सो हम लोग उसका रियलिस्टिक बजट आप लोगों को शोकेस करेंगे. आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. एंड इफ दैट डिड सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. And till then stay tuned to the video till the end. और ढेर सारा प्यार दिखाना, हमने बहुत मेहनत करा है. तो चलो stay tuned, start करते हैं. So guys, let's talk about the total expenses for your Dubai trip of 5 nights and 6 days from India. तो दोस्तों, इस वीडियो को हमने टू कैटेगरीज ऑफ ट्रैवलर्स के लिए डिवाइड करा है. पहली कैटेगरी में आते हैं बैकपैकर्स या सोलो ट्रैवलर्स जिनका कॉस्ट होने वाला है 50 to 60K फॉर दुबई ट्रिप इंक्लूडिंग फ्लाइट्स. और दूसरी कैटेगरी में मीडियम स्पेंडर लोग आते हैं जैसे कि हम लोग, और हम इस कैटेगरी के रियलिस्टिक बजट के बारे में बात करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं दुबई ट्रिप के होने वाले कुछ बेसिक खर्चे के बारे में. तो दोस्तों, आपको हर ट्रिप में बेसिक खर्चे लगेंगे जैसे कि फ्लाइट्स, वीजा, होटल, ट्रांसपोर्ट, फूड और वहां घूमने फिरने वाले अट्रैक्शन का खर्चा. तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइट के बारे में. सो गाइज, लेट्स डिस्कस द वेरी फर्स्ट पॉइंट, विच एयरलाइन टू चूज. सो गाइज, दुबई जाने के लिए या अबू धाबी जाने के लिए इंडिया से ढेर सारे फ्लाइट्स के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे कि डोमेस्टिक फ्लाइट, इंडिगो, स्पाइस जेट, और उसके बाद विस्तारा का भी ऑप्शन है और एयर इंडिया भी है. इसके साथ साथ आप चूज कर सकते हो एमिरेट्स, एतिहाद, कतर एयरवेज और ढेर सारी एयरलाइंस. बट मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी एयरलाइंस आपको चूज करनी चाहिए. सो गाइज, इफ यू आर ऑन अ बजट देन डेफिनेटली यू शुड चूज द डोमेस्टिक एयरलाइंस लाइक इंडिगो, एयर इंडिया या फिर स्पाइस जेट, क्योंकि इनकी सर्विसेज फ्रिक्वेंट होती हैं इंडिया के मेजर सिटीज से लाइक हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इवन लखनऊ, और चीप भी होती हैं ऑब्वियसली. जहां तक बात की जाए एमिरेट्स की, इतिहाद एयरवेज, कतर एयरवेज, इनकी फ्लाइट्स काफी एक्सपेंसिव होती है बट ऑब्वियसली बात है लग्जूरियस होती है. तो अगर आपके पास पैसा है एंड इफ यू कैन अफोर्ड इट, डेफिनेटली दे आर द बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल. तो जो फ्लाइट की टिकट है आप ऑलवेज बुक करें ट्रिप से 2 या 3 महीने पहले की. सेकेंड थिंग कि आप अपनी फ्लाइट टिकट कहाँ से बुक करें. देर आर सो मेनी साइट्स बट हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप यूज करें स्काई स्कैनर क्या. आप वहाँ पे फ्लाइट टिकट्स कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स की, और आपको पता लग जाएगा कि कौन से साइट पे आपको अच्छी डील मिल रही है. तो मेक श्योर करें कि आप इन वेबसाइट पे पहले कंपेयर कर लें फ्लाइट्स, और जो आपको बेस्ट डील्स मिल रही है वहीं से फ्लाइट टिकट बुक करें. बट अगर आपको और चीप में फ्लाइट टिकट्स चाहिए तो आप 2 से 3 महीने प्रायर टू योर ट्रैवल डेट्स आप अपनी टिकट बुक कर लें. इसके अलावा हमारे पास एक और कमाल का ट्रैवल हैक है जिससे आप दुबई ट्रिप की अपनी सस्ती टिकट बुक कर सकते हैं. तो आपको क्या करना है, इंडिया से डायरेक्ट दुबई की फ्लाइट नहीं बुक करनी है बल्कि ऑल्टरनेटिव एयरपोर्ट जो कि अबू धाबी या शारजा है वहां की टिकट आप पहले बुक करें, और वहां से आराम से बस लेकर आप दुबई जा सकते हो, क्योंकि इंडिया से शारजा या अबू धाबी की टिकट जनरली सस्ती होती है कंपैरेटिवली दुबई की. तो फ्रेंड्स, फ्लाइट का टोटल कॉस्ट है जो कि राउंड ट्रिप का आपको आराम से मिल जाएगा 18 to 20K में, अगर आप 2 से 3 महीने पहले टिकट बुक करते हो तो. अगर वो ऑफ सीजन है तो और भी सस्ता मिल सकता है, और अगर आप सीजन वाइज जा रहे हो टॉप सीजन में, पीक सीजन में, तो आपको टिकट थोड़ी सी महंगी भी मिल सकती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीजा. तो किसी भी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करने के लिए वीजा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट इज रिक्वायर्ड, और इसका वीजा ऑन अराइवल नहीं मिलता है इंडियंस के लिए. तो आपको दुबई का वीजा पहले से ही अप्लाई करना पड़ेगा. तो जो दुबई का वीजा है वो 3 टाइप का होता है, ट्रांजिट, विजिट और वर्क. अब वर्क के लिए तो आपको जाना नहीं है. ट्रांजिट वीजा
यू मस्ट बी नोइंग कि अगर आप दुबई से होके किसी और कंट्री में फ्लाई कर रहे हो या किसी और कंट्री से दुबई में लैंड कर रहे हो फिर या कहीं और जा रहे हो तो आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत है और ट्रांजिट वीज़ा 3 या 4 दिन के लिए मिलता है। तो अभी आपको ट्रांजिट वीज़ा के बारे में नहीं बात करना है, हमें अभी बात करना है विजिट वीज़ा के बारे में। तो विजिट वीज़ा भी मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सिंगल एंट्री होती है, मल्टीपल एंट्रीज होती है, 30 दिन के लिए होती है, 90 दिन के लिए होती है, ऑन सो ऑन सो ऑन। आपको क्या चाहिए गाइज? आपको चाहिए सिंगल एंट्री, क्योंकि ऑब्वियस बात है आप एक बार दुबई जाओगे घूम के फिर इंडिया वापस आ जाओगे, तो आपको, आप तो बिजनेसमैन हो नहीं कि आपको मल्टीपल एंट्री की जरूरत है। सो यू जस्ट रिक्वायर अ सिंगल विजिट दुबई वीज़ा और आप अप्लाई कर सकते हो मेक माई ट्रिप से या आप अपने एजेंट के थ्रू भी करवा सकते हो। देर आर सेवरल वेबसाइट जैसे कि मेक माई ट्रिप हो गया या akbartravel.com हो गया या इवन गो आई वीवो हो गया, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। हमने हमारा वीज़ा दुबई का मेक माई ट्रिप से करा था और जिसकी कॉस्ट हमें 6,400 या 6,200 पड़ी थी, यानी कि 6,200 इंडियन रुपीज़। और वो आप सिंपली मेक माई ट्रिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो और वहाँ पे वीज़ा का ऑप्शन आएगा, वो सेलेक्ट करके आप कंट्री दुबई सेलेक्ट, यूएई सेलेक्ट करके आप उसका सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई कर सकते हो 30 दिनों के लिए। तो अकॉर्डिंगली अप्लाई करने के बाद आपको आपका वीज़ा जनरली 5 से 7 दिन में मिल जाता है और यू नो समटाइम्स इट गेट्स रिजेक्टेड बट मोस्टली दुबई का वीज़ा इंडियंस को मिल जाता है, सो देयर इज नो इशू। तो अगले एक्सपेंसेस की बात करते हैं, वो है एकोमोडेशन। तो दोस्तों इसमें दो कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग एकोमोडेशन के बारे में बात करी गई है। तो पहले कैटेगरी के लोग यानी कि सोलो ट्रैवलर्स और बैकपैकर्स, उनके लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं हॉस्टल्स या फिर 2-स्टार होटल। तो दुबई में 2, 3, 4 और 5 स्टार होटल के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं आसानी से। तो हॉस्टल्स आपको मिल जाएंगे 700 से 1000 रुपए के बीच में और थोड़ा सा अगर स्पेंड कर लोगे तो 1500 से 2000 के बीच में बहुत ही कमाल का हॉस्टल या 2-स्टार होटल मिल जाएगा। तो आप अगर सोलो ट्रैवलर हो या बैकपैकर्स हो तो आपके लिए परफेक्ट रिकमेंडेशन है। और आपको याद रहना चाहिए कि आपको बंक बेड्स मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे शेयर बेसिस पे ही आपको रहना पड़ेगा। तो नेक्स्ट कैटेगरी के लोग यानी मीडियम स्पेंडर लोग होटल में आराम से रह सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं 2-स्टार, 3-स्टार, 4-स्टार या 5-स्टार होटल्स में। आपको दुबई में होटल मिल जाएंगे रेंजिंग फ्रॉम 2,500 टू 4,000 रुपीस इजीली। तो टॉकिंग अबाउट अस, जैसे हम दुबई एयरपोर्ट पे लैंड किए, हमारा पहला स्टे था डेरा में जो कि हमने ओनी में बुक करा था और जिसकी कॉस्ट थी 5,000 रुपीस। इसके बाद हम चले गए थे वेस्टर्न प्लाजा जो कि बर दुबई में है और उसकी भी कॉस्ट पड़ी थी 5,000 रुपीस के बीच में। तो दोस्तों सबसे एक इम्पॉर्टेंट सजेशन आपको देना चाहते हैं कि अगर आपको पैसे सेव करने हैं, डू बुक योर होटल्स नियर बाई मेट्रो स्टेशन, क्योंकि आपका अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे मेट्रो स्टेशन रहेगा यू कैन सेव योर टैक्सी का कॉस्ट एंड यू कैन ईजिली ट्रैवल अक्रॉस द सिटी। और अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो एक और रिकमेंडेशन है कि आप अपार्टमेंट्स ले लो, क्योंकि आप वहाँ पे अपना खर्चा शेयर कर लोगे और साथ में आप वहाँ पे कुकिंग भी कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके के होते हैं, एक प्राइवेट एंड एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दुबई में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है एंड एक्सपेंसिव है, जैसे कि कैब्स और प्राइवेट टैक्सीज। अगर आप डेली कैब से अप एंड डाउन या फिर आना जाना करते हैं देन योर डेली एवरेज कॉस्ट वुड बी अराउंड 2,000 टू 5,000 रुपीज़ विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। यू वुड नॉट रिकमेंड दिस इफ़ यू आर ऑन अ बजट, बट हमारे केस में हमने क्या किया था कि हम लोग 4 लोग थे एंड हमारा कैब का किराया जो होता था वो स्प्लिट हो जाता था हम चारों के बीच। एंड नाउ इफ़ यू आर ऑन अ बजट देन वी वुड सजेस्ट कि आप दुबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, तो दैट इंक्लूड्स ई स्कूटर्स और मेट्रोज और बसेज। ई स्कूटर्स ऑब्वियसली हर जगह अवेलेबल तो नहीं होंगे, पर फॉर दैट यू हैव टू डाउनलोड एन एप्लीकेशन कॉल्ड करीम, एंड करीम इज द एप्लीकेशन दैट विल ऑल्सो वर्क फॉर कैब्स एज वेल। अगर आपको दुबई में कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करना है देन मेट्रो इज़ द बेस्ट चॉइस। आप दुबई पहुँच के मेट्रो कार्ड खरीद सकते हो, दैट इज़ सिल्वर नॉल कार्ड, एंड आप एक मंथली या फिर 7 डेज का पास बनवा सकते हो। और 7 डेज का पास आपको पड़ेगा 110 AED विच इज़ 2,434 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी। एंड ये हर जोन्स के लिए अनलिमिटेड आप यूज़ कर सकते हो एंड ऑल्सो यू कैन यूज़ इट फॉर बसेज। और दुबई में सारे फेमस अट्रैक्शंस के पास मेट्रो स्टेशन है, सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल।
सो मेट्रो इज द बेस्ट चॉइस अगर आप बजट में हो तो। सो नेक्स्ट एक्सपेंस की बात करते हैं विच इज फूड। तो पहले बात करते हैं बैकपैकर्स और सोलो ट्रैवलर्स के लिए, उनके लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं एंड उनका खर्चा कितना आएगा फूड के लिए। तो अगर आप अपार्टमेंट्स में रह रहे हो तो हमारी सजेशन ये है कि दुबई के सुपरमार्केट्स जैसे कि लुलु सुपरमार्केट या फिर अल माया जैसे सुपरमार्केट से आप पैकेज्ड फूड जैसे कि ब्रेड, मैगी या स्नैक्स बाय करके अपने अपार्टमेंट में कुक भी कर सकते हो। सो दिस विल कट योर कॉस्ट टू एन एक्सटेंट। टॉकिंग अबाउट अस, हमने भी बर दुबई के वेस्ट जोन अपार्टमेंट में रहते टाइम एक दो दिन के लिए मैगी या ब्रेड ऑमलेट बना के खा लिया था एंड दैट्स क्वाइट कॉस्ट इफेक्टिव। ऑल्सो बता दूं कि दुबई में ड्रिंकिंग वाटर इज क्वाइट कॉस्टली एंड ड्रिंकिंग वाटर आप कहीं से फिल नहीं कर सकते हो। सो अगेन वुड सजेस्ट कि आप सुपर मार्केट से ही बहुत सारी बॉटल्स अपने खरीद के रख लो अपने अपार्टमेंट या होटल में, तो आप ऐसे ही अपने अपार्टमेंट में अपना ब्रेकफास्ट और डिनर कर सकते हो। ऑल्सो अगर आपने एक हॉस्टल बुक किया हुआ है एंड आप एक सोलो ट्रैवलर हो तो मेक श्योर कि आपके हॉस्टल में आपका ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि बाहर क्या क्या ऑप्शंस हैं एंड कितना पैसा लगेगा। दुबई में रेस्टोरेंट्स की तो कोई कमी नहीं है एंड फूड ऑप्शंस आपको इजीली मिल जाएंगे, चाहे वो वेज हो या फिर नॉन वेज हो, इंडियन एंड पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स इजीली मिल जाएंगे। सो अगर आप एक बजट ट्रैवलर हो एंड नॉर्मल से कोई कैफे में या फिर ढाबे में काम चला सकते हो तो आपको 5-10-20 AED से खाना मिल जाएगा विच इज लाइक 100 rupees से 500 rupees के बीच में इंडियन करेंसी में। बट अगर आप एक फुल मील खाना चाहते हो तो आपको 40-50 AED में हो जाएगा विच इज अबाउट 1200 rupees इन इंडियन करेंसी। हम मोस्टली बाहर जाते हैं जब इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, सो हम लोग मोस्टली ढूंढते हैं कि कोई साउथ इंडियन रेस्टोरेंट हो या फिर कोई चाइनीज़ रेस्टोरेंट हो। सो वी प्रिफर मोस्टली ढाबाज लाइक जहाँ पे हमको इडली या सांभर मिल सके या फिर नूडल्स मिल सके। तो एवरेज फूड का कॉस्ट आपको रखना पड़ेगा 1500-2000 rupees या 2500 तक भी जा सकता है फॉर लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज एक्टिविटीज और टूर्स। दुबई की एक्टिविटीज तो वर्ल्ड फेमस है, यहाँ पे एक बच्चे से लेकर एक बूढ़े तक के लिए बहुत कुछ है करने को। चाहे आप एक सोलो ट्रैवलर हो, एक कपल ट्रैवलर हो या फिर आप एक फैमिली के साथ आ रहे हो, तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं तो आपको जरूर करनी चाहिए। जैसे कि बुर्ज खलीफा, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 3,646 rupees एंड डेजर्ट सफारी फॉर 1,505 rupees। डेजर्ट सफारी तो बिल्कुल भूलकर भी मिस मत करना गाइस, इतने कम रुपए में यहाँ पे आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। ये मत सोचना कि आप इंडिया जाके भी जैसलमेर में ये ट्राई कर सकते हो, बट दुबई का डेजर्ट सफारी इज समथिंग एल्स दैट यू नीड टू ट्राई। अगर आपको क्रूज राइड एक्सपीरियंस करना है देन यू कैन डू धाव क्रूज फॉर ₹1,444 विच इज रियली चीप। दुबई का बहुत ही फेमस अट्रैक्शन है दैट इज पाम जुमेरा, जो कि पाम शेप में है एंड आपको एक ऑब्जर्वेटरी में ले जाया जाता है जहां ऊपर से आपको पाम की शेप का पूरा आइलैंड दिखेगा, दैट यू कैन डू इट फॉर 2,257 rupees। अगर आप फैमिली के साथ आए हो एंड आपके फैमिली में बच्चे भी हैं देन डू टेक देम टू एक्वेरियम या फिर अंडर वाटर जू, दे विल लव इट सीइंग ऑल द एक्वेटिक एनिमल्स एंड उनमें से कुछ तो एक्सटिंक्ट भी है एंड यू कैन ऑल्सो सी पेंगुइन्स एंड किंग क्रॉक, दैट इज क्रेजी। सो एक्वेरियम या अंडर वाटर जू विल कॉस्ट यू अराउंड 3,385 rupees। अगर आपको बुर्ज खलीफा का बेस्ट व्यू देखना है देन डू गो टू स्काई ऑब्जर्वेटरी एंड स्काई ऑब्जर्वेटरी में दो एक्टिविटीज हैं, दैट इज ग्लास स्लाइड विच विल कॉस्ट यू अराउंड 1,806 rupees एंड एक और एक्टिविटी है जो कि फॉर द थ्रिल सीकर्स एंड एडवेंचर लवर्स, दैट इज एज वॉकिंग एंड यू कैन ट्राई दैट ऑन योर ओन रिस्क एंड दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 11,000 rupees। अगर आपको साईफाई में इंटरेस्ट है या रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है देन वी वुड सजेस्ट कि आपके लिए बेस्ट प्लेस है म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, या फिर अगर आप इंटरेस्ट रखते हो कि हाउ विल दुबई लुक आफ्टर 50 इयर्स फ्रॉम नाउ ऑन, देन दिस इज योर प्लेस, यू विल लव इट एंड दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 3,363 rupees। आपने दुबई फ्रेम की ये वायरल पिक्चर्स तो हर जगह देखी होगी बट इसके अंदर बहुत कुछ है देखने के लिए। यू कैन लर्न अबाउट द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ दुबई एंड दुबई एक्चुअली ग्रो कैसे हुआ, ये सब आप यहाँ पे लर्न कर सकते हो इस बड़े से फ्रेम के अंदर एंड दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 1,128 rupees। और अगर आपको फूड, कल्चर, म्यूजिक, शॉपिंग में इंटरेस्ट है देन ग्लोबल विलेज इज योर प्लेस एंड द टिकट्स फॉर ग्लोबल विलेज कॉस्ट यू अबाउट 679 rupees। और अगर आप समर्स में दुबई आ रहे हो, दिस इज वन प्लेस दैट वी वुड सजेस्ट हाईली, दैट इज एक्वावेंचर वाटर पार्क।
विच इज ऑल्सो वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटर पार्क. कैन यू बिलीव गाइज. इसकी टिकट्स आपको कॉस्ट करेंगी 7,000 to 8,000 रुपीज. आई नो इट्स बिट कॉस्टली, बट अगर आपको वाटर पार्क्स एंड एडवेंचर में इंटरेस्ट है देन डू नॉट मिस दिस प्लेस एट ऑल. सो एक्सक्लूडिंग दिस वाटर पार्क, जो पहले मैंने आपको लिस्ट बताया एक्टिविटीज और टूर्स की, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 19,000 to 20,000 रुपीज पर पर्सन. तो गाइज ये है दुबई का टोटल खर्चा. एंड प्लीज नोट दैट अगर आप ऑफ सीजन या पीक सीजन में दुबई ट्रैवल करते हैं तो आपके प्राइजेस में वेरिएशन हो सकती हैं. नाउ लेट्स डिस्कस कि हमारे दोनों कैटेगरीज के लोगों का, यानी कि बजट स्पेंडर और मीडियम स्पेंडर के लिए कितना खर्चा आएगा. एज डिस्कस्ड अर्लियर इन द वीडियो, हमारे बजट स्पेंडर का खर्चा होना चाहिए 50,000 to 60,000 रुपीज. सो लेट्स कैलकुलेट इन टोटल. फ्लाइट्स अगर आप एडवांस में बुक करते हो तो 18,000 to 20,000 में आपका आराम से हो जाएगा. सो वी हैव केप्ट एवरेज फ्लाइट टिकट्स अराउंड 20,000. वीज़ा अगर आप अच्छे एजेंट से कराते हो तो 7,000 to 8,000 रुपीज़ आपका खर्चा आएगा. हॉस्टल का एवरेज खर्चा आएगा आपका 7,000 to 7,500. अगर आप 1,500 पर नाइट वाले एक हॉस्टल में स्टे करते हो देन आपका 5 नाइट्स का खर्चा आएगा 7,500 रुपीज़. ऑफकोर्स अगर आप 1500 से लेस वाले हॉस्टल में रहते हो तो आपका हॉस्टल का खर्चा भी कम हो जाएगा. देन कम्स ट्रांसपोर्टेशन विच वी हैव केप्ट अराउंड 2500. अगर आप मेट्रो यूज करते हो तो आपका 7 दिन का खर्चा आ जाएगा मेट्रो में 2500 रुपीज. एंड फॉर टूर्स एंड एक्टिविटीज वी हैव केप्ट अराउंड 10,659 रुपीज. अगर आप ये एक्टिविटीज करते हो तो उसके ऊपर से दुबई में कुछ एक्टिविटीज फ्री भी हैं, सो यू कैन एंजॉय देम एज वेल. और अगर आप एक्टिविटीज कुछ ऐड कराना चाहते हैं देन यू आर मोस्ट वेलकम. सो आपका टोटल खर्चा आ जाएगा 56,000 to 57,000 पर पर्सन. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कितना खर्चा आएगा एक मीडियम स्पेंडर के लिए. सो फ्लाइट्स 20,000 to 21,000 रुपीज, वीजा 8,000. अगर आप होटल 3,000 पर नाइट के हिसाब से लेते हो तो फॉर 5 नाइट्स इट वुड कम 15,000 रुपीज. लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट. अगर आप मेट्रो के साथ साथ कभी कैब यूज करते हो देन इट वुड कॉस्ट अराउंड 3,000 रुपीज टू 4,000 रुपीज. एंड अगर आप कैब्स में जा रहे हो तो आपका खर्चा स्प्लिट भी हो सकता है इफ यू आर ट्रैवलिंग विद अ फ्रेंड और अ कपल. टूर्स एंड एक्टिविटीज के लिए हमने रखा है 19,000 to 20,000 रुपीज. And for food, if you spend around 2,500 rupees per day, then for 6 days, it would come around 15,000 rupees. So, आपका total खर्चा आ जाता है 82,000. ये है per person का खर्चा for 6 days, but इसमें से hotel का split हो सकता है. अगर आप cabs use कर रहे हो तो cabs का भी split हो सकता है. Then food भी अगर आप share कर सकते हो, then आपका खर्चा कम हो जाएगा.